सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और गाइस आज का यार एक बार मौसम देखो भाई साहब, कितना सारा सुहावना है। और गाइस आज तो भाई साहब सूरज एकदम बढ़िया वाला पूरा गोल गोल एकदम सिर को ऊपर ही है। और गाइस सूरज को देखते हुए मैंने यार सब कुछ पहन रखा है येलो। और चलते हैं गाइस सुबह सुबह चॉप के पास। सुबह की शुरुआत करते हैं चॉप के साथ। ओ भाई साहब चॉप, आज कैसे जीव निकाल रखी है बाहर। अब यार मेरा मूड मत खराब कर तू। अबे क्या हो गया यार, तेरा रोज रोज मूड ही खराब हुआ रहता है। अबे यार मैं तुझे क्या बताऊं, अभी अभी यार जस्ट कुछ खा के आया था मैं। और भाई साहब फिर? अबे यार तब से पोटी आ गई। मैं तो जाना यार। अबे 13 बार जा चुका हूँ मैं। तो कितनी देर पहले तू खा के आया मैं? अबे यही कुछ 5 मिनट पहले। ओए ऐसा क्या खा के आ गया तू? अबे यार इधर ना बगल में भंडारा बट रहा था। भंडारा बट रहा था किस चीज का? अबे वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन यार मैं खा के आ गया। वो तुझे दे किसने दिया बे? अबे कैसी बात कर रहा है यार तू। अरे बता तो तुझे दे किसने दिया? अबे यार मैं तेरी टी शर्ट पहन के गया था और पैंट भी तेरी पहन के गया था मैं। ओ भाई साहब, और बल्कि लोग मुझसे कह रहे, अरे फ्रैंकलिन तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो आज। ओए चल। अबे नहीं नहीं सच में यार, मैं तेरे कपड़े पहन के गया था तो लोग मुझे कह रहे थे आज तो तुम फ्रैंकलिन हैंडसम लग रहे हो। फिर उसके बाद यार मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। ओए पागल हो गया क्या, लोग अंधे हैं क्या, कुत्ते को हैंडसम बता रहे हैं? अबे यार तू भी तो एक कुत्ता ही है। अबे मुंह बंद कर ले, बकवास मत कर। अबे वैसे यार ये तो बता तू कर क्या रहा है आजकल? भाई तू ये बता भाई साहब, घर में खाना नहीं था क्या जो भंडारे में खाने गया तू? भाई यार क्या करूं, तूने ऐसा फालतू का खाना घर के अंदर रखी रखा है। अबे क्या रखा है यार, सही तो रखा है, रोटी रखी तो है। अबे भाई साहब वो रोटी है। क्यों भाई साहब क्या लग रही है वो? अबे रोटी और प्लेट में कुछ अंतर ही नहीं पता चल रहा। तेरा कहने का मतलब क्या है बे? अबे रोटी फेंक के मारो तो भी टूटती है, प्लेट फेंक के मारो तो भी टूटता भाई। अबे तू कहना क्या चाहता है? अबे तेरी रोटी भी पत्थर जैसी जम गई है। भाई तो 13 दिन पुरानी रोटी है तो भाई क्या होगा? अबे तो ऐसा फालतू की रोटी क्यों रखता है तू? ओए रोटी को फालतू मत बोल बे, वही खाना पड़ेगा तुझे। अबे यार भंडारे से थोड़ा और इंतजाम कर लेना चाहिए था मुझे। अबे मुंह बंद कर ले। वैसे यार आज तू जाने कहाँ वाला है? बे यार मैं तो भाई साहब यहाँ पर यार लॉस सेंटोस के अंदर एक बहुत ही तगड़ी चीज भाई साहब ऑर्गेनाइज की गई है। अबे भाई साहब रोज रोज तेरे लॉस सेंटोस के अंदर ऑर्गेनाइज ही किया जाता है? बे यार मेरा एक दोस्त है जो कि इन्हीं सब चीजों में काम करता है, और यार वो मुझे पल पल की खबर बताता रहता है कि भाई साहब किस किस जगह पर क्या हो रहा है। और इस बार भाई साहब खबर आई है एक रैंप की। पर कौन से पंप की? पे पंप की नहीं भाई साहब, रैंप की। पर कौन से ट्रंप की? अबे ट्रंप की नहीं भाई साहब, रैंप की यार। पर तो हाँ क्या रैंप की? अबे भाई साहब रैंप पे रहो यार, बहुत ही एक मतलब बहुत ही मुश्किल सा रैंप है, और उसके ऊपर हमें एक बाइक दी जाएगी, और उस वाली बाइक से हम लोगों को उस रैंप को कम्प्लीट करना है। भाई साहब सबसे पहला आदमी तू ही है क्या? हाँ हाँ सबसे पहले आदमी मैं ही हूँ। और भाई साहब उसमें यार बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। वैसे यार तुझे आखिरी बार कितने मिले थे? पे यार आखिरी बार उन्होंने कहा तो था 100 करोड़ देने का, लेकिन 85 करोड़ मिले यार उन सूटकेस को मिला के। अबे कोई नहीं कोई नहीं, आज भाई साहब पूरे कमा लियो तू। पे हाँ भाई साहब आज के रैंप वाले का तो इनाम पूरे 100 करोड़ का है, आज तो मुझे लगता है पूरे 100 करोड़ मिल ही जाएंगे। उसके बाद क्या करोगे तू 100 करोड़ का? उसके बाद क्या भाई साहब, एकदम मजे वाली जिंदगी जियेंगे, एक बंगला खरीदेंगे बड़ा सा। अबे हाँ बंगला ही खरीदियो, रोटी मत खरीदियो ढंग से जो खा सके। अबे चल चल वही प्लेट वाली रोटी ठीक है। अबे क्यों भाई? अबे यार देख नॉर्मल रोटी होगी तो प्लेट की भी जरूरत। अबे हाँ सब्जी की भी जरूरत। हाँ सब्जी और रोटी रखने के लिए भाई साहब कटोरी और प्लेट दोनों की जरूरत। अबे हाँ और ऐसे भाई साहब सिंपल सी रोटी लेके भाई चबाते रहो, प्लेट की भी जरूरत नहीं ना सब्जी की जरूरत, चबाते रहे रोटी। वो भाई साहब पागल है क्या, बकवास कर रहा है। वैसे यार एक बात बता, तू भी चलेगा क्या मेरे संग? अबे हाँ चलूंगा, बिल्कुल चलूंगा। ओके सो आ जा यार जल्दी से, यार मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है अभी। वैसे तूने 50 करोड़ का किया क्या? अबे वो सारे के सारे मैंने भाई साहब अपने सोफे के नीचे गुदवा दिए। अबे क्या बात कर रहा है यार तू? अबे हाँ बैंक में कौन जमा करने जाएगा भाई साहब, टैक्स लगेगा। अबे यार तू टैक्स चुरा रहा है? तो क्या हो गया भाई, ये शर्मा जी को नहीं देख रहा तू, वो भी तो चुराते ही हैं। अबे क्या बात कर रहा है? अबे हाँ भाई साहब वो तो 5-5 रुपए भी मिलते हैं ना उनको सड़क पे गिरे हुए, वो भी रख के भाई साहब छुपा देते हैं, सोचते हैं कहीं 5 रुपए का भी टैक्स ना लग जाए। वो यार वो तो पागल है, तू भी पागल है क्या? हाँ हाँ भाई साहब टैक्स के मामले में मैं भी पागल हूँ, गाड़ी रोक ले। अरे मरने का शौक मेरी गाड़ी के आगे चढ़ा है क्या, किसी और की गाड़ी के आगे मर, तेरी ऐसी की तैसी तेरी गाड़ी के आगे शौक चढ़ा है, चल टकले बाहर निकल। अरे मैं जाके पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। जा बेटा तेरे में दम है तो जा। जा रहा हूँ मैं। पे तेरी ऐसी की तैसी, चल जा ले। सो गाइस ये भाई साहब इसको ज्यादा ही शौक चढ़ा था। ओ भाई साहब अभी अभी बेटा तू जिंदा ही है, रुक जा रुक जा, तेरे को बताता हूँ, रोकियो लौंडे। अरे मैं क्यों लौटकू? यार कैसे कैसे तोतले मिलते हैं। अबे यार जल्दी आ जा भाई साहब चौप। अबे आ रहा हूँ पोटी करके। अबे यार ये पूरे दिन भाई साहब उधर ही सड़ाता रहता है, जल्दी आ। अबे चल रहा यार फ्रैंकलिन। चल रहा हूँ भाई साहब, चल रहा हूँ यार थम जा। वैसे तुझे पता है जाना कहाँ पे?
पे है। अबे हाँ भाई साहब पता है यार पता है। बताइयो कहाँ जाना है। अबे लॉस सेंटोस में भाई साहब एक किनारा है जहाँ पर यार एक नदी सी बहती है। अबे यार नदी के किनारे पंप है क्या? अबे पंप नहीं भाई साहब रैंप। अबे हाँ वही वही नदी के किनारे रैंप है क्या? अबे हाँ नदी के किनारे ही है और भाई साहब बहुत ही मुश्किल रैंप है वो। अबे चल चल यार देखते हैं कितना मुश्किल है। अबे हाँ यार तू हल्के में ले रहा होगा सच में यार वो बहुत खतरनाक है अच्छे अच्छों से अभी तक पार नहीं हुआ। अबे देखते हैं यार अपना फ्रैंकलिन कलुआ जरूर पार करेगा। अबे यार कलुए से याद है ये देख गाड़ी कितनी मस्त है। अबे चल चल यही वाली गाड़ी ले लेते हैं। अबे यार बिल्ली जा रही है मैं क्या करूं? अबे बिल्ली को ऊपर से चढ़ा दे। अबे तेरे को मैं यही धक्का दे दूंगा बिल्ली को ऊपर से चढ़ा दे। भाई साहब तू तो बहुत बदतमीज हो गया यार। अबे भाई साहब उसकी गाड़ी लेके ना चलना। अबे यार वो भगा रहा है गाड़ी यार बहुत ज्यादा तेज। अबे यार जल्दी चल गाड़ी मुझे बड़ी पसंद आई उसकी। एक सेकंड गाइस यार एक सेकंड। ओ रोक ले लौंडे रोक ले। अबे रोक ले लौंडे। अरे कौन है ये मेरी गाड़ी क्या गाड़ी रोकता है? अबे बाहर निकल बे। निकल रही बाहर मेरी मस्त वाली गाड़ी है ये। अबे चल 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 बाहर निकल। सो गाइस यार देख सकते हो यार तुम लोग कितनी ज्यादा मस्त गाड़ी मिली। अबे आ जा यार चुप। बारा यार आ रहा हूँ रुक जा। अबे यार ये वाली गाड़ी तो बड़ी मस्त है ये तो मैं ही रखूंगा। मैं चल चल भाई साहब मैंने रुकवाई है मैं ही रखूंगा। अबे क्या बकवास कर रहा है यार तू। मैं हाँ हाँ भाई साहब इतनी मेहनत मैंने करी है उस वाली लौंडे से मैंने छीनी गाड़ी और तू रख लेगा। अबे यार तू तो बहुत ज्यादा बदतमीज हो गया है। और क्या भाई ऐसा ही हूँ मैं। अच्छा तो जरा एक बात बता। पूछ क्या भाई? परसों कल कुत्ते जब झपट रहे थे तो उनसे मेरी चड्डी छीनी तूने। हाँ यार तेरी हेल्प करी तो यार अब धन्यवाद मत कहियो यार थैंक यू वैंक यू मत कहियो। अबे थैंक यू कौन कह रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ तूने छीनी तो तू पहन रहा है मेरी चड्डी वो वाली। अबे यार तू चड्डी और गाड़ी को मिला क्यों रहा है? बस चुप हो जा बकवास मत कर गाड़ी मैं ही रखूंगा। अबे रख ले जा रख ले गाड़ी के लिए रोज जा रहा है। सो गाइस अभी हम लोग यार जल्दी से निकलते हैं सीधा रैंप के पास और भाई साहब इस बार तो रैंप मैं ही जीतूंगा। अबे चल चल देखते हैं तेरे में दम है कि नहीं। ओए फिर से एक और मस्त गाड़ी। अबे मुंह बंद कर ले गाड़ियां देख रहा है सिर्फ वो। भाई साहब वही है क्या तेरा रैंप? मैं हाँ हाँ वही तो है। ओ भाई साहब ये क्या हुआ पड़ा है? अबे मुझे क्या पता। एक सेकंड गाइस यार ये मुझे लगता है चोर की गाड़ी है और ये है भाई साहब पुलिस की गाड़ी। अबे हाँ यार ये चोर और पुलिस दोनों के दोनों गए कहाँ? अबे मुझे क्या पता इसके अंदर तो ना मरवर गए। ओके तो गाइस यार ये वाली गाड़ी भी पूरी खाली पड़ी है और ये वाली गाड़ी भी पूरी खाली पड़ी है। ओ भाई साहब दोनों कहाँ गए? अबे मुझे तो लग रहा है इधर ही जंगलों में एक सुसु करने गया होगा एक पोटी करने। अबे तुझे तो सब कुछ पता है मुंह बंद कर ले। वो भाई साहब देख 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 अबे वो देख। अबे क्या क्या क्या? अबे भाई साहब देख ट्रेन जा रही है। अबे यार पागल है क्या ऐसे बता रहा है? सो ओके गाइस यार हम लोग यार आ चुके हैं इसी वाले रैम को हम लोग कंप्लीट करना है वो भाई साहब आराम से। ओके तो चले भाई साहब चुप। अबे यार चलेगा इधर हलवा पार्टी तो करेगा नहीं। अबे चुप हो जा। सो गाइस यार अभी जल्दी से चलते हैं यार इसी वाले रैम को कंप्लीट करना और देख यार हमारे लिए पूरी की पूरी पांच बाइकें रखी हैं। अबे क्यों भाई साहब तेरे 10 पिछवाड़े हैं क्या कि पांच बाइकों पे रख के घूमेगा? अबे पागल है क्या यार तू पांचों में से एक बाइक चुन के रैम को कंप्लीट करना है। अच्छा अच्छा मुझे लगा तेरे 10 पिछवाड़े हैं। अबे यार तू कितना एक्स्ट्रा बोलता है। वैसे तू ये बता तू भी चलेगा क्या मेरे संग? अबे हाँ यार चल लेंगे आधा हिस्सा मेरा फिर। ओए फिर तो रहने दे बेटा मैं तो फिर भी चलूंगा ही तेरे संग। सो गाइस यार यहाँ पर इसी रैम को कंप्लीट करना है। वैसे बहुत ज्यादा मुश्किल रैम्प है लेकिन यार हम लोग कंप्लीट करेंगे तो करेंगे। अबे भाई साहब कौन सी लेगा भाई? यार मैं सोच रहा हूँ कौन सी ले। अबे यार मैं सोच रहा था ये वाली बाइक बढ़िया है नहीं? अबे हाँ यार इसके ऊपर तो मैं मस्त तरीके से खड़ा हो जाऊंगा। आ जा फिर यार जल्दी से आ जा यही बाइक लेकर चलते हैं हम लोग। अबे यार चल भाई साहब। अबे वैसे ये काला काला क्या है? अबे यार ये भाई साहब एक रैंप है जो हमें बता रहा है हमको जाना कहाँ है। ओ भाई साहब बड़ा खर्चा किया यार इन्होंने। ऐसे ही लोग है भाई साहब पैसे वाले तभी थोड़ा है इसने से रैंप को कम्प्लीट करने के 100 करोड़ दे रहे हैं। अबे भाई साहब यार ये इतना सा रैंप है ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे तो। अबे यार कोई नहीं लास्ट बार तो तू हमारे संग आ नहीं पाया था इस बार तो कम से कम आ पाया है। ओ भाई साहब आराम से चलाइयो। अबे हाँ हाँ भाई आराम से चला रहा हूँ। सो गाइस यार आप लोग यार देख पा रहे हो हम लोग यहाँ पर एकदम मस्त तरीके से आ चुके हैं। अब यार देखो अपने को वो जो सामने की तरफ तुम लोग देख पा रहे हो ना क्रेन उस पे जाना है भाई। ओ भाई साहब चल आगे। मैं चल रहा हूँ भाई साहब इसके ऊपर चलना है। सो गाइस यार आराम से यार इसके ऊपर चलते हैं। ओ भाई साहब यार ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो कुछ नहीं कर लेगा तू। वो तो मुझे पता ही है मैं कर लूंगा। अबे अबे नहीं। वो यार क्या कर रहा है? यार गलती से छोटी मोटी गड़बड़ हो गई यार गलती से मिस्टेक हो गई। अबे यार गलती से मिस्टेक मत कर वरना गए तेरे 100 करोड़। सो गाइस यार हम लोग यार दोबारा से ट्राई करते हैं इसके ऊपर। ओ भाई साहब अरे भाई गया गया। वो यार ढंग से कर ले। यार चुप हो जा। सो गाइस यार इसके ऊपर हम लोग पूरी तरीके से रेडी है वापस से। बस यार इस बार कोई गड़बड़ ना हो आई होप बस। अबे कर जा यार। अबे यार क्या कर रहा है? सो गाइस यार हम लोग यार दोबारा से चढ़ते हैं इसके ऊपर। सो ओके गाइस यार इस बार भाई साहब कोई गलती की गुंजाइश नहीं। मैं यहाँ पर पूरी एकदम 100% देने वाला हूँ यार अपने आप। भाई साहब बाइक सीधी हो जा। ओके सो गाइस यार अभी जल्दी से यार मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ यहाँ से एक बहुत ही ओपी जंप
जंप लेने के लिए। अबे कर जा यार। सो ओके गाइस यार, जैसे तैसे करके भाई साहब इसके ऊपर आ ही गया मैं, और इसके बाद भाई साहब वहां पर जाना है। ऊपर रहने दे, तेरे बस की नहीं है। ऐसे कैसे मेरे बस की नहीं है यार। सो गाइस यार, पिछली बार तो यार थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो गई थी इसलिए यार गड़बड़ हो गई, बट गाइस यार इस बार यार गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी। सो गाइस यार इसके ऊपर भाई साहब दोबारा से चलते हैं। सो गाइस यार एक जंप अच्छी सी चाहिए यार, बस एक जंप अच्छी सी है भाई यार। सो गाइस यार फाइनली यार जैसे तैसे करके यार मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ। अब यार यहाँ से जो सबसे मुश्किल स्टेप है यार वो सामने वाले रैंप पर जंप करना, बट यार ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट गाइस यार अपन लोग ट्राई करने वाले हैं, जरा सा हो गया था यार। सो गाइस यार कोशिश यहाँ पर दोबारा से मैं करता हूँ, और हल्का सा यार हल्की सी स्पीड देनी है बस। ओके सो गाइस यार जैसे तैसे करके भाई साहब बच गया। ओके तो फाइनली गाइस यार अपने को अब बस उस वाले रैंप पर जाना है, और यहाँ पर यार स्टेबल रैंप आना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये टेढ़ा है। भाई साहब क्या कर रहे हैं यार, मुझे पोटी आ जाएगी, ऐसे मत कर। अबे यार मैं क्या करूँ भाई साहब, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। एक सेकंड गाइस यार, एक मिनट, यहाँ से लेते हैं बढ़िया सी जंप। अबे यार लैंड तो कर जाता रैंप पे। सो गाइस यार गाड़ी यहाँ पर मैंने पूरी चेंज कर लिया, और गाइस यार इस वाली गाड़ी से आई होप मैं आराम से कर लूंगा। अबे बे बे बे। सो गाइस यार ये चीज यार बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट गाइस यार यहाँ पर फाइनल ट्राई मैं करना चाहूंगा एक बार, और बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइस यार यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो यार इसके ऊपर चलना तो भाई साहब उससे भी ज्यादा मुश्किल है। भाई पैदल जाना है कि गाड़ी पे जाना है? वो भाई साहब तुझे पता होगा नहीं, ये गाड़ी पे जाना है, गाड़ी पे जाना, और एकदम मस्त तरीके से मैं गाइस यार आ रहा हूँ। ओ भाई साहब, ओ तेरी नहीं 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 नहीं। सो गाइस यार काफी ज्यादा मुश्किलों के बाद यार अपन लोग यहाँ पर तो आ चुके हैं, और ये जो सामने वाला हिस्सा है ना यार, ये बहुत ही ज्यादा फिसलन भरा है क्योंकि यार इसके ऊपर बर्फ जमी है यार। अबे यार क्या किया तूने? भाई साहब यार कर जा। ओके तो गाइस यार यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ओ भाई साहब कर गया। ओ शिट, जरा सा ऐसे चूक गया यार। अबे यार तू कब करेगा यार? इस बार तो हो जाएगा। गाइस यार दोबारा से करते हैं। सो गाइस यार फाइनली यार यहाँ पर मैं जैसे तैसे करके आ चुका हूँ, और गाइस यार इसके ऊपर हम लोग आ चुके हैं। और यार जो मतलब पूरे रैंप का जो सबसे मुश्किल पार्ट था वो बताऊं क्या था? वो भाई साहब तेरा पाद मारना। पे यार वो नहीं, सबसे मुश्किल पार्ट अब आने वाला है, और वो है यहाँ से जंप करते हुए इसके ऊपर लैंड करना। वो जो सामने वाली जगह देख रहा है तू? वो भाई साहब उसके ऊपर कैसे लैंड कर सकता है कोई? भाई साहब कर नहीं सकता, बट यार हमको करना होगा अगर हम लोग 100 करोड़ जीतना चाहते हैं। वो यार ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए तो कोई नहीं कर पाया भाई, ये तो सब कर लेते हैं, यही चीज तो सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो गाइस यार यहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं यार इसके ऊपर से कैसे करना है यार इसे। सो गाइस यार देखते हैं यार कैसे करना है, बट यार करके तो मैं जाऊंगा यहाँ से पक्का। तो यहाँ से एक तगड़ी सी जंप ले सकता हूँ क्या मैं? अबे 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 वाह भाई साहब तेरा मुंह टूट रहा है, क्यों कर रहा है तू ये? ओके सो गाइस यार ये चीज है ही नहीं रियलिटी में, ये बस यार पागल बनाने के लिए लगाई है इन लोगों ने भाई यार, तभी इसको कम्प्लीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और वो जरा ये रोप्स देखूं मैं। ओके तो गाइस यार मैं सोच रहा था यार ये रोप जो है ये शायद अपने हेल्प आ सकती है। सो गाइस यार इन वाली रोप्स का मैं यूज कर सकता हूँ क्या? ओके सो अबे यार ये सब भी फेक लगा रखी है यार, कैसे करूंगा मैं इसको कंप्लीट, बट यार करना तो है अपने को। ओके तो गाइस यार ये चीज जो है, अबे यार शिट हल्का सा ऊपर गया था मैं। सो ओके गाइस यार वो वाली रैंप बस यार मुझे पता चल चुका है, वो वाली रैंप बस यार पागल बनाने के लिए थी, क्योंकि गाइस यार मैंने यार उस पर ट्राई किया और भाई साहब जिस बोर्ड पर मैं जा रहा था ना वो वाले बोर्ड पर भी मैं नहीं जा पा रहा। मैं तुम्हें यार चल के दिखा देता, तुम लोगों को यार ऐसा थोड़ा बहुत यार यकीन नहीं होगा। अबे यार मैं कहां गिर गया? वैसे तो गाइस यार तुम लोग सोचोगे कि भाई साहब कौन सा वाला बोर्ड पागल बनाने के लिए था, एक्चुअली मैं ये सामने वाला, उस टाइम तो मैं पता नहीं किस तरीके से लैंड कर गया, बट गाइस यार ये भाई साहब बस एक फेक है, ये देखो गाइस यार सीरियसली मैं सच सच बता रहा हूँ। तो गाइस यार इसका मतलब ये वाला रैंप और सिर्फ मतलब आगे का जो रैंप था वो सिर्फ और सिर्फ पागल बनाने के लिए था, और गाइस यार इसी वाली चीज को यार कोई भी नहीं पहचान पाता, बट गाइस यार तुम्हारे भाई ने बिल्कुल इजीली पहचान लिया है। और गाइस यार इसलिए यार अब ये 100 करोड़ का मतलब ये जो रैंप कंप्लीट करने का 100 करोड़ का इनाम था, जो प्राइस था वो अब हमको मिलेगा, और गाइस यार इस प्राइस को देगा मेरा वो वाला दोस्त जिसने मुझे इसके बारे में बताया था। तो चलो गाइस यार अभी जल्दी से निकलता हूं मैं सीधा घर के लिए, और भाई साहब देखते हैं गाइस यार क्या हमारा प्राइस हमारे घर पे होगा, मैं रास्ते में कॉल कर दूं क्या उसको? ओके तो गाइस यार भाई साहब जो आप यार तेरा कहना क्या है? अबे भाई साहब मुझे तो नहीं लगता तेरा दोस्त देने वाला है, मुझे तो लग रहा है तेरा दोस्त शहर छोड़ के भाग गया होगा। भाई यार तू हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचता है भाई साहब? ये सोच कि भाई साहब मेरा दोस्त मेरे को पैसे देगा, तो ये देख यार 5-5 बाइकें वहां पर खड़ी थी कितनी महंगी महंगी, जिसमें से एक हम लेकर आ रहे हैं, और
भाई साहब पूरा का पूरा रैंप भी उसने सजाया था भाई साहब सिर्फ हमारा पागल बनाने के लिए थोड़ना। तो गाइस इसलिए यार मुझे लग रहा है मेरा दोस्त भाई साहब बिल्कुल सारे के सारे पैसे देने वाला है और मैं कहां गिर गया भाई। यार तूने कहां फेंक दिया मुझे। सो ओके गाइस अभी फटाफट से हम लोग निकलते हैं सीधा घर के लिए। ओ भाई यार जल्दी भागो मुझे पाद आ रही है यार। अबे तू इधर ही कर ले भाई। यार तेरी बाइक उड़ जाएगी भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अबे चल चल भाई साहब इतना तगड़ा ना तेरे में दम। अच्छा ऐसी बात है दिखा दूं मैं दम। दिखाइयो जरा ये ले। ओ भाई साहब क्या कर रहा है तू। अबे यार पागल हो गया है। मैं कह रहा था यार मैं तुझसे। सो ओके गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो फटाफट से हम लोग अपनी बाइक को भगाते हुए सीधे यार अपने घर की तरफ पहुंचने वाले हैं। ओ यार कैसे चला रहा है तू पहाड़ों में। भाई यार ये माउंटेन बाइक और इसको यार माउंटेन पर चलाने का मजा ही कुछ अलग है। वो यार तेरे घर के बगल में माउंटेन है इसलिए तू चला रहा है क्या। और क्या यार देख भाई साहब माउंटेन बाइक है हमारे हाथ में और बगल में ही हमारे घर क्या है भाई साहब माउंटेन। तो यार माउंटेन बाइक के साथ तो ये नाइंसाफी होगी उसको अगर उसको भाई साहब माउंटेन पर ना चलाया जाए। भाई यार तू अब स्टंट करने जा रहा है क्या। अबे हाँ हाँ तुझे कैसे पता चल गया यार। अबे भाई साहब तेरे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे इधर से तू खतरनाक जंप करेगा क्या। बिल्कुल। अबे मेरा खोपड़ा फूटेगा। फुटन दे भाई साहब खोपड़ा। अबे भाई साहब क्या कर रहा है तू। भाई यार मजा नहीं आया क्या तुझे इसमें। भाई यार मेरा खोपड़ा फूट गया। भाई यार मेरा भी फूट गया लेकिन मजा तो आया। तेरे लाश पड़ेगी मुंह पे चल घर पे। सो ओके गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो फाइनली यार हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं। ओबा भाई साहब कहाँ लेकर जाएगा बाइक को। वाली बाइक यार सीधा अपने घर के अंदर और सीधा यार अपने बेडरूम में। ओबा भाई साहब बाइक को बेडरूम में कौन खड़ा करता है। मैं भाई साहब रखता हूँ यार मैं एकदम मस्त तरीके से। तो चलो गाइस यार बहुत ही बढ़िया तरीके से यार उस वाले रैम को कम्प्लीट कर दिया। यार अपने दोस्त से पैसे कब मांगेगा। अभी मांगता यार। भाई यार तूने किया अपने दोस्त को फोन। भाई साहब यार उसका फोन नहीं लग रहा यार पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। वो तो भाग गया सच में पैसे लेके। अबे चल चल मैं उसका घर भी जानता हूँ। सो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को जाकर लाइक जरूर कर देना और साथ ही यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ गाइस यार साथ ही यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला आइकन प्रेस कर देना ऐसे कुछ मजेदार और खतरनाक वीडियोस को देखने के लिए। और गाइस यार हमारा एक और चैनल है यार माइनक्राफ्ट का। हाँ गाइस यार हमारा एक माइनक्राफ्ट का चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे भी जरूर से जरूर चेकआउट कर लेना। नाम है उसका फ्लाइट क्राफ्ट। गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस यार गुड बाय। अबा भाई साहब यार आज तू पीला कैसे हो रहा ऊपर से नीचे तक। अबे यार सूरज को देख के यार मेरा भी मन कर गया भाई साहब पीला पहन लूं मैं। पर कौन सूरज। मैं भाई साहब सूरज वो ऊपर सूरज। अच्छा अच्छा वैसे मुझे लगा यार पोटी करते हुए गिर गया यार बाथरूम में। मैं पागल है क्या। अबे हाँ यार लग तो ऐसा रहा है थोड़ा थोड़ा पीला हो गया है ना तू। अबे यार अबे अभी अभी तो तू पीला था अब तो गीला भी हो गया। अबे यार मुंह बंद कर।